आपको बताऊंगी टैरो कार्ड्स को कैसे शफल करना है. देर आर टू वेज जिससे आप अपने टैरो कार्ड्स को शफल कर सकते हैं. शफल करने का मीनिंग क्या होता है, एक तो हम कार्ड्स को मिक्स कर रहे हैं, प्लस हम फ्रेश एयर इन कार्ड्स के बीच में ला रहे हैं. ठीक है, अब आपने दो मेथड्स को कैसे करना है. फर्स्ट मेथड इज लाइक दिस, आपने कार्ड्स को अपने हाथ में रख के लाइक दिस यू हैव टू शफल. सेकेंड मेथड वुड बी लाइक प्लेइंग कार्ड्स, हम ऐसे शफल करते हैं. आपने इन दो मेथड से अपने टैरो कार्ड्स को शफल करना है. कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके कार्ड्स में हैवी एनर्जीज आ रही हैं, बैक टू बैक रीडिंग हो रही है, सो दिस इज द मेथड जिसमें आप अपने कार्ड्स को री एनर्जाइज कर सकते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल नॉकिंग मेथड. नॉकिंग से आप अपने कार्ड्स की इस वॉइस से, सारी वाइब्रेशन से जितनी भी नेगेटिविटी है ना वो हटाते हैं. और एक और आपको मेथड बताती हूँ जिससे आपकी कार्ड्स की एनर्जीज काफ़ी जल्दी रीगेन होगी. आपने क्या करना है, कोई भी धूप, कोई भी अगरबत्ती या सेज आप ले लीजिए जिससे स्मोक प्रोड्यूस होता है, एंड दिस इज व्हाट आई कॉल फैन मेथड. आपने अपने कार्ड्स को एक फैन की तरह स्प्रेड करना है और उस धुएं से इनको अच्छे से स्मच करना है और थोड़ा सा हिलाना है. सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपने कार्ड्स की जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे हैं, और जो भी स्मजिंग से हमारी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है उससे इनको री एनर्जाइज कर रहे हैं. दीज टू मेथड्स आर वेरी गुड जब भी आपको अपने कार्ड्स की एनर्जीज को स्टेबलाइज करना होता है या री एनर्जाइज करना होता है. आज हम बात करेंगे कि टैरो रीडिंग आप कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं. आपका जब भी मन करे आप टैरो रीडिंग कर सकते हैं. आपके पीरियड्स आपके टैरो रीडिंग को इम्पैक्ट नहीं करेंगे. बहुत लोग पूछते हैं कि क्या डाउन में हम टैरो रीडिंग कर सकते हैं. ऑफकोर्स आप कर सकते हैं, अनलेस एंड अंटिल यू फील फिट. आपको अंदर से अच्छा लगना चाहिए, आपके अंदर से वो एनर्जी होनी चाहिए. इफ़ यू थिंक दैट यू आर फिट एंड फाइन, यू आर रेडी टू डू टैरो एनी टाइम. कोई दिन का रात का कोई ऐसे टाइम वो नहीं होता फिक्स्ड कि आपने अभी ही कर सकते हो और अभी नहीं. सेकेंडली, कब आपको टैरो नहीं करना चाहिए, जब आपकी एनर्जी डिप्लीटेड हो, आप स्ट्रेस में हो, आप सैड हो, आप बहुत रोए हुए हो, आपका खुद का मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, आप पेन में हो, तब आप कभी भी टैरो रीडिंग नहीं करेंगे, बिकॉज तब आपके कार्ड्स आपको आंसर्स नहीं देंगे. मैंने पहले भी वीडियो में आपको यही बताया कि आपकी एनर्जी के साथ आपके टैरो कार्ड्स वर्क करते हैं. जब आपकी एनर्जी ही मैच नहीं कर पा रही टैरो कार्ड्स को, आपकी वो एनर्जी है ही नहीं कि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पाओ, आप दूसरे की मदद कैसे करोगे, आप खुद की मदद कैसे करोगे, देन रेस्ट फॉर सम टाइम, छोड़ दो, इट्स ओके. अगर आप अपने क्लाइंट को बोलोगे भी ना कि अभी आई एम नॉट फीलिंग वेल, लेट्स डू इट आफ्टर एन आवर, वो भी अंडरस्टैंड करेगा बिकॉज उनको भी एक्यूरेट रीडिंग चाहिए. वैल्यू योरसेल्फ, वैल्यू योर एनर्जी. व्हेनेवर यू आर फीलिंग डिप्लीटेड, नेवर डू एनी रीडिंग, टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम. अपनी एनर्जी को रीगेन करो, मे बी कोई मंत्रा चांटिंग करो, थोड़ा देर सो जाओ, म्यूजिक सुनो, उसके बाद रीडिंग करो. आपके आंसर्स बहुत अच्छे आएंगे एंड एवरीबडी वुड से कि क्या रीडिंग करी है. हमारा टैरो कार्ड का स्प्रेड कैसा हुआ है, इससे सामने वाले का ओपननेस पता चलती है कि मेरी रीडिंग कैसी जाएगी, कितना इंसान वो ओपन होगा, कितना हमारा एक एनर्जी फ्लो होगा. कभी जब आपके कार्ड्स एकदम पाइलअप होते हैं ना, अटक जाते हैं बीच में, स्मूथनेस नहीं आती, इट मीन्स कहीं ना कहीं जो सामने वाला पर्सन है उसमें काफ़ी नेगेटिविटी या काफ़ी आई वुड से चीज़ें होल्ड अप करके रखी हैं. आपका यहाँ पे मोर एफर्ट लगेगा, आपका यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट लगेगा टू अंडरस्टैंड दी अदर पर्सन. या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो एक फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, बिकॉज जो भी आप रीडिंग कर रहे हैं सामने वाले के एनर्जी पे ही कर रहे हैं. अगर सामने वाले की एनर्जी ठीक नहीं है, ऑफकोर्स आप नहीं बता पाएंगे. सो जब भी आपका स्प्रेड बहुत अच्छा ना हो, आप काउंसलिंग से स्टार्ट करो. आप पहले पूछो कि क्या इशू है, हम क्यों रीडिंग कर रहे हैं. आप उस पर्सन को ना बुलवाओ कि क्या उसकी लाइफ में चल रहा है, बिकॉज जब तक वो पर्सन ओपन अप नहीं होगा आपके सामने, आपकी सही इंटरप्रिटेशन नहीं आ पाएगी. हम जब भी टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं ना, हमेशा अपने लेफ्ट हैंड से करते हैं. लेफ्ट हैंड हमारे राइट ब्रेन को गवर्न करता है, विच इज आवर सबकॉन्शियस माइंड. हम जब भी सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके
टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं हम हमेशा सही आंसर्स के साथ वर्क करते हैं, बिकॉज हम जो भी आंसर्स निकाल रहे हैं ना हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू निकाल रहे हैं। इवन अगर आपका क्लाइंट भी आपके लिए कोई कार्ड पिक कर रहा है फॉर द रीडिंग, आप उसको हमेशा बोलो कि आप अपने पहले हाथ क्लीन कीजिए, उसके बाद लेफ्ट हैंड से सोच के कार्ड निकालिए, आपके आंसर्स बहुत अप्रोप्रिएट आएंगे। ट्राई दिस टेक्निक, यू विल डेफिनेटली फाइंड इट वेरी वेरी यूजफुल। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and click the bell icon to stay updated on all our new videos. See you next time.